didn't help us out even worse. शुरू कर दें। इसलिए मुझे लगता है अब हमको शुरू कर देना चाहिए। जितने लोगों को आना था वो आ गए और बाकी आते रहेंगे, क्योंकि कल कुछ विद्वान मित्र बड़े आराम से जब क्लास खत्म हो रही थी तब जुड़े थे, तो ऐसे विद्वान बच्चों को नमस्कार। अगर जुड़ गए हो तो आज, नहीं जुड़े हो तो फिर कल बात करेंगे। देखिए वॉल्यूम कम करें। आज की चर्चा में हम आपसे बात करेंगे वाक्य शुद्धि के बारे में, ठीक है। वाक्य शुद्धि हिंदी और इंग्लिश, थोड़ा सा रखो। वाक्य शुद्धि में हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हिंदी का बात करें और या फिर इंग्लिश का, क्या करें, आपकी क्या राय है? पहले हिंदी, ठीक है। देखिए वाक्य शुद्धि में हिंदी में हमको लगता है कि यही होगा, क्योंकि बोलते ही हम गलत हैं तो लिखेंगे भी गलत। हिंदी भाषा में यही अच्छी बात है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अगर हम सरक लिखते हैं, सरक, हम लोग सरक अगर उच्चारण करते हैं सरक ही लिखेंगे, सड़क होनी चाहिए। कुछ लोग घोड़ा लिखते हैं, घोड़ा को, घोड़ा मतलब घोल देना, ठीक है, और सरक मतलब सरक जाना, स्लिप करना जिसको बोलते हैं। लेकिन उसका तो आपको अपनी आदत पहले सुधारनी होगी कि आप भाषा की पकड़ अच्छी बना लें। इसमें सबसे पहली जो गलती होती है वो होती है अनावश्यक शब्द के कारण। अगर ना दिख पाए तो चिंता ना करें, मैं जो बोल रहा हूं उससे सुन के लिखें। अनावश्यक शब्द के कारण पहली गलती होती है हिंदी भाषा में। कैसे होती है लिख लीजिए, अनावश्यक शब्द के कारण। इसका मतलब है समान अर्थ वाले दो शब्द, समान अर्थ वाले यदि दो शब्दों को हम किसी एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इससे वाक्य में अशुद्धि आती है। ठीक है, समान कैसे शब्द होंगे? जैसे मान लीजिए एक मैं वाक्य देता हूं, मैं प्रातः काल के समय घर जाऊंगा। सर समान अर्थ वाले एक बार फिर से। मैंने बोला अनावश्यक शब्द की मैं बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ही वाक्य में एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब जरूरत नहीं फिर भी हम उस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे शब्दों का अगर आप वाक्य में प्रयोग देखें तो वाक्य या वाक्य का वंश, वाक्य का वह अंश गलत माना जाएगा। जैसे मैं प्रातः काल के समय घर जाऊंगा, ठीक है, मैं प्रातः काल के समय घर जाऊंगा। अब इस वाक्य में क्या गलती हो सकती है? ये समय नहीं होगा। क्या गलती हो सकती है? काल जो है, काल अपने आप में ही समय है, प्रातः काल, ठीक है, तो प्रातः काल अपने आप में समय है, तो इसके बाद हमको दोबारा ये समय लिखने की आवश्यकता उचित नहीं लगती, ठीक है। दूसरी बात, अगर सिर्फ प्रातः काल भी हो, कई बार लोग सिर्फ प्रातः ही लिखते हैं, काल भी नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर प्रातः के साथ काल लिखा हुआ है तो चल जाएगा, समय नहीं चलेगा, ठीक है। एक दूसरा वाक्य लिखिए, दूसरा वाक्य है जज ने उसे, दूसरा वाक्य है जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, मृत्यु दंड की सजा। सर सजा सुनने में तो बहुत सहज, हाँ सुनने में बहुत सहज लगता है कि मृत्यु दंड की सजा दी, लेकिन चूंकि मृत्यु के साथ ये दंड भी लगा हुआ है, दंड जो शब्द है, दंड का मतलब क्या होता है? सजा। इसका अर्थ हुआ क्या हो गया ममता, सब्जी बन रही है, आवाज क्लियर नहीं है। इसका मतलब हो गया, दंड का मतलब ही सजा। तो अनावश्यक शब्द की हम बात कर रहे हैं, इधर आ जाइए सर, यहाँ ये यहाँ साफ दिखेगा, ठीक है, आगे बढ़ूं। इसके बाद एक और वाक्य होता है, इसके बाद क्या हुआ? अगर मान लीजिए मैं लिखूं इसके बाद
फिर क्या हुआ? मिस्टर नटोरलाल की फिल्म में बच्चों को जब मिस्टर नटोरलाल कहानी सुना रहे होते हैं उस समय ये बात आती है, इसके बाद फिर क्या हुआ? बार बाद है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे तो सेम इसी पैटर्न पे अंग्रेजी वाली में बात करूंगा। तो पहले बता दूं, अगर रण छोड़ दास बनना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जुड़े रहेंगे तो लाभ होगा। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें क्या गलती है? बाद और फिर, तो दोनों में कोई एक होगा, फिर नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगला बढ़े। यह कैसे संभव हो सकता है? अगला वाक्य है, यह कैसे संभव हो सकता है? इसमें बताइए, यह कैसे संभव हो सकता है? इस वाक्य में क्या गलती है सर? इसमें है संभव, यह यह कितना संभव है? देखिए, संभव और सकता, संभव और सकना ये दोनों एक ही समान शब्द हैं। तो या तो यह कैसे हो सकता है या फिर यह कैसे संभव है, दोनों में एक होगा। इसका मतलब है कि हम अनावश्यक अर्थात एक ही शब्द को बार बार दोहराएंगे। अंग्रेजी में भी यही चीज आती है, अंग्रेजी वाला मैं बाद में करूंगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण अगर आप लोग जान जाएंगे ना तो 90% अंग्रेजी इधर गई, पूरा नहीं देख पाएंगे हम आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, एक और उदाहरण दे। लिखिए, मेरे पास केवल मात्र, मेरे पास केवल मात्र, मेरे पास केवल मात्र एक पैंट है। केवल लगेगा या मात्र ही लगेगा? दोनों में एक ही चीज लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। एक चीज और मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा में कुछ बांग्ला भाषी भी हमारे साथ जुड़े हैं, या आप लोग भी बांग्ला जानते होंगे, इसमें बोलते हैं शुधु, हिंदी में लिख रहा हूं, हाँ, शुधु मात्र। बांग्ला भाषा में इसका खूब बोलचाल में धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, इसलिए जो पश्चिम बंगाल के हमारे मित्र लोग हैं ध्यान दें कि बोलचाल की भाषा एक भाषा दूसरी भाषा से अंतर हो सकता है। तो शुधु मात्र बोलते हैं और उसी को हम लोग हिंदी में भी जोड़ते जाते हैं, केवल मात्र। यहां आपको इसका ध्यान रखना है कि बांग्ला भाषा की शुद्ध मात्र कभी और विवेचना करेंगे, केवल या मात्र, तो मात्र लिखेंगे या केवल लिखेंगे, बांग्ला भाषा में भी ये व्याकरणिक भूल है जो करते हैं। ठीक है, एक और आखिरी, नौजवान युवक युवतियों को पढ़ना चाहिए, नौजवान युवक युवतियों को, इसमें क्या गलती है? नौजवान नहीं होगा सर, सर नौजवान नहीं होगा सर, ये सुपरफ्लूअस है। क्या होना चाहिए? युवक युवती तो क्या होगा? युवक युवती होगा। जैन सनवा साहब कैसे हैं? देखिए, यहाँ युवक युवती को अगर हम एक शब्द में ढालें तो ये नौजवान उन्हीं कहा जाता है। चलो नौजवानों अगर आपने बोल दिया तो उसमें युवक और युवती दोनों शामिल है, केवल अलग से फिर आपको युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, बेढंगा लगेगा। तो यहाँ नौजवानों का प्रयोग सही रहेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे वाक्य मिलेंगे आपको जिनमें आप देखेंगे एक ही शब्द को बार बार दोहराएगा, मतलब मिलता जुलता अर्थ है, तो आपको उस मिलते जुलते अर्थ वाले में गलती निकाल देनी है। हो जाएगा, आगे बढ़े। इसके बाद दूसरा है, हाँ बोलिए। ठीक है सर, आगे बढ़िए। दूसरा है अनुपयुक्त शब्द, अनुपयुक्त मतलब ऐसे शब्द जिसकी जरूरत नहीं है, अनवांटेड स्टफ बोलते हैं ना। ठीक है, अनुपयुक्त शब्द का मतलब ये हो गया कि जोड़ा नहीं मिल रहा है। राम के साथ आप सीता की जोड़ी लगाएंगे, राम के साथ लक्ष्मी की जोड़ी नहीं लगती ना। इसी तरह से वाक्य प्रयोग में भी शब्दों का ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूं सीता, सीता राम की स्त्री है, सचमुच में स्त्री है, पत्नी है, पत्नी होना चाहिए, स्त्री में सब आता है, माँ बहन बेटी तीनों आ जाएगा। तो आपको सीता पता ही है कि सीता राम की क्या है, पत्नी है। अब जैसे मान लीजिए आप अपनी माता को कोई भी
मेरे पिता की पत्नी तो नहीं कहेंगे ना, माँ के बारे में संबोधन अगर मुझे करना हो तो मैं ये नहीं कहूंगा ना कि मेरे पिता की पत्नी आ रही है, कहेंगे क्या? इसका मतलब है ऐसे शब्द गलती से या जबरदस्ती लाए गए हैं, ठीक है। माई फादर्स वाइफ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ नहीं देखेंगे, देखा आपने कहीं? इसका मतलब माई फादर्स वाइफ फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे हो सकती है, ठीक है। दैट विल नॉट बी योर फादर फर्स्ट वाइफ या कि आपकी मदर। आगे बढ़े। रात भर गधे भौंकते रहे, गधे जो हैं वो भौंकते हैं नहीं, कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ क्या गलत है बताएं मुझे? देखिए अक्सर वाक्य अशुद्धि जब आती है, जी जी सुनिए, अक्सर वाक्य की अशुद्धि अगर आती है तो हम वर्ब पे ध्यान नहीं देते हैं। जो कर्ता है, सब्जेक्ट जो है, कर्ता के अनुसार हम क्रिया को या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की गलती ढूंढेंगे हमेशा। जैसे भौंकते हैं हम कहें उसके अनुसार हम कुत्ते कर दें, इना चुल गए, हाँ। यहां आपको गधे हैं तो गधे रेंगते हैं। अब जैसे एक और शब्द ले लेते हैं, तारे चमक रहे हैं, तारे चमकते हैं क्या? टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, वो जोड़ी बना के रखना है, ठीक ना, तारे टिमटिमाते हैं। इसी तरह से कोहिनूर का नाम सुना है आप लोगों ने? कोहिनूर, नूर का मतलब होता है जी, क्या होता है? चमक, हीरा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं तुम मेरे आंखों के नूर, कोहे नूर, ठीक है। कोहे नूर अमूल्य लिखते हैं, कोहिनूर अमूल्य हीरा है, सही है क्या? नहीं होगा सर, कोहिनूर क्या वर्ड आ जा रहा है? बहुमूल्य होगा सर, क्या रहा है? कोहिनूर अगर लगा है, अमूल्य और बहुमूल्य में अंतर है। Yes, बहुमूल्य मतलब बहुत ज्यादा मूल्य है उसका, लगा ही नहीं सकते हम, और अमूल्य का मतलब कोई खास मूल्य नहीं है, तो यह बहुमूल्य होगा इसका जोड़ा, ठीक है। अब जैसे मैं एक और अक्सर बोलता हूँ, आप लोगों ने माधुरी दीक्षित की फिल्म में गाना है जूते दो पैसे लो, सुना है आप लोगों ने? गाना सुना है ना, पता नहीं सूरज बढ़ जाता है जी, सर, जी। जी, तो मैं अगर लिखूं है जूते दो पैसे दो, हम आपके हैं कौन, पांव से हम आपके कौन, जी पांव से जूते निकालना, उतारना सर, अक्सर हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं, जूते निकाल रहा हूं, बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको लिखित रूप में भी लेते हैं, लेकिन जूता हमेशा उतारा जाता है। कभी भी आप बैठे हो घर में तो एक्शन करके देखिए, जूता चिपका हुआ है, वस्त्र उतारते हैं, वस्त्र खोलते नहीं, बटन खोला जाता है, कपड़े उतारे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सिर पे वो क्या बोलते हैं, तौलिया या गमछा रखा हूं, उसको मैं उतार के कहीं टांगूंगा, ठीक है। तो यहाँ जो है जूते के साथ हमेशा प्रयोग करिएगा, यहाँ क्या शब्द लगेगा? उतारना, ठीक है, उतारना। तो और ये पांव से जूते उतारे जाते हैं, खाली जूते निकालना मतलब रैक पे रखा है, अरे जूते निकालो, इसका मतलब पिताजी कह रहे हैं आकांक्षा से, आकांक्षा मेरे जूते निकालो, मैं पहन के ड्यूटी जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जूते उतारो पैर से, तभी मैं आपका पैर धो पाऊंगी। आगे बढ़े। इसके बाद है अगला जो हम करते हैं वो है लिंग संबंधी भूल। लिंग संबंधी भूल ये तो हम लोग पूर्वांचल वाले जो लोग हैं, पूर्वांचल का मतलब होता है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया बस्ती ये क्षेत्र और पूरा बिहार क्षेत्र, और फिर हम लोग पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो लोग अगर हिंदी या फिर जो भी हिंदी सीख रहे हैं नए लोग, उनके साथ ये गलती होती है। जैसे मैं कहूं कि राजा, ये दो तरह से होता है, देखिए राजा की, राजा का बारात आएगा, अक्सर हम लोग बोल देते हैं, मैं भी कभी बोलता था राजा का बारात आएगा, सही है, राजा की बारात है वो सर, क्यों? बारात जो शब्द है, बारात शब्द का मतलब होता है बारात, पूरी रात, ये बारात आती है बैंड बाजे के साथ, तो बारात स्त्रीलिंग है, तो ये कारक संबंधी भेद भी यहाँ चलता है की होगा। और उसके अलावा जैसे मैं अगर कहूं कि मैं बेटी
राजा की बारात आएगी होगा, बेटी पराए घर का धन है, इसमें क्या गलती है? पराए घर का धन होता है, सॉरी धन होता है, थोड़ा और परिस्थित कर देता हूँ, बेटी पराए घर का धन होता है। हाँ घर नहीं लगेगा, पहली बात तो ये है पराए घर क्या होगा, पराए लगेगा, यहाँ होता है कि जगह होती है, अभी आंचल बोल रही थी पराए घर की धन होती है, धन जो शब्द है वह पुलिंग है तो उसके साथ आप का का प्रयोग ही करेंगे की का नहीं करेंगे, लेकिन बेटी है तो बेटी के अनुसार ये मैंने लिंग परिवर्तन में दिखाया था, लोगों को सिखाया था कि कर्ता के अनुसार फिर कर्म या क्रिया का लिंग निर्धारित होता है, तो बेटी पराए घर का धन होती है, यहाँ धन के साथ नहीं है, अगर ये वाच्य में जाएंगे तो भाववाच्य में आ जाएगा, या क्रिया में जाएंगे तो अकर्मक आएगा सकर्मक आएगा, कर्ता के साथ ये अकर्मक में आएगा, ठीक है, या सकर्मक किसमें आएगा, आप लोगों से पुनः निवेदन है डायरी में लिख लीजिए अकर्मक और सकर्मक एक बार पढ़ लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आज, हो सकता है कुछ दो चार ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकले तो ध्यान से सुनिएगा, वो हो सकता है परीक्षा में आने लायक हो, क्योंकि पिछली बार भी कन्हई कह रहे थे कि अंतिम दिन मैंने 5-6 शब्द दिया था और वो शब्द आ गए थे, दैव इच्छा। चलिए, सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है, सेनापति पति में तम है छोटी की बड़ी, कंफर्म छोटी सर, यस सर, हाँ अच्छी लिख दिया, सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है, सर नाम में आके मात्रा हटा दी, करना पड़ता है, यहाँ करना पड़ता है, ठीक है, करनी नहीं होगा, ठीक है सर, नाम में आके मात्रा नहीं होगा सर, अरे होगा, गलत जगह चला गया था, नाम में नहीं लग के प में लग गया था, सेन पाती हो गया था, ठीक है, वो प्रिंटिंग एरर है, कभी कभी सलाह दे दिया करिए, अगला बताऊं, अगला वाक्य है गंगा पतित पावन नहीं है, वो बोलते हैं ना पतित पावन सीताराम, गांधी जी ने कहा था गंगा पतित पावन, पावन नहीं है, क्या होना चाहिए, या सही है गंगा पतित पावन नहीं है, सही है पतित पावन सीताराम, गांधी जी ने कहा इसलिए हम इसको पतित पावन मान लेते हैं, हम लिंग त्रुटियों पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, पतित पावन, गंगा क्या है पुलिंग है, गंगा क्या है पुलिंग है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है सर, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग है, पावन होगा पावन नहीं होगा, जी 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 बिल्कुल, तो अगर स्त्रीलिंग है तो पावनी होगा, गंगा पतित पावनी नहीं है, या है जो भी आपको लिखना है, किसी को नहीं पे आपत्ति है, लेकिन अगर वाक्य लिखा हुआ आ गया तो आप ये मत समझिएगा कि ये नहीं भूल है, नहीं बोल ही सकता है, कोई बोल देगा गंगा गंदी है, यमुना कभी भगवान श्री कृष्ण की मतलब उनके खेल के लिए हुआ करती थी, लेकिन आज यमुना में कचरा इतना है कि आप नहा ले तो खुजली हो जाएगा, ठीक है, तो गंगा पतित पावनी, गंगा चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए पावनी जो है क्या होगा, चलिए अगला लेते हैं, और इसका अगर आप लोग बता देंगे तो आप लोग पास हैं, बोलिए पहला वाला क्या होगा सर, अंतर सही पहला वाला मतलब सर सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है इसमें, हाँ सेनापति क्या है, पुरुष है, पुरुष स्त्री है, पुलिंग है सर, पुलिंग है तो प्रणाम करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, प्रणाम जो शब्द है वो ही पुलिंग रूप माना जाता है, ये बताइए सर ये गंगा पतित पावन है इसमें सर, पावनी होगा, पावनी मैं अगला वाक्य लिख रहा हूं, राजा अपने धुन में गा रहा था, राजा अपने धुन में गा रहा था, अपनी धुन में गा रहा,
राजा धुन लगा रहा था, अपनी धुन लगा रहा था, धुन में नहीं, फिर अपनी नहीं, धुन नहीं, हाँ अपनी, वेरी गुड, गुड़िया ने कहा है ना 10 नंबर, आज गुड़िया को पास हो गई गुड़िया, यहाँ अपने नहीं होगा अपनी होगा, क्योंकि धुन स्त्रीलिंग है, इसके साथ अपनी आएगा, ठीक है, समझ में आई, आगे बढ़े। अब लिंग की बात हमने की, अब जरा अमिताभ बच्चन की बात कर लें, इसका मतलब है वचन संबंधी भूल, सात फेरों के सातों वचन मत मानिए इसको, वचन संबंधी भूलें क्या हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कर्ता अगर एक वचन है, ये अंग्रेजी में भी मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो उसका वर्ब भी प्लूरल नंबर होगा, नोट कर लीजिएगा, फिर इंग्लिश में आएंगे तो फिर चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर नंबर होगा, कई बार हम ऐसी भूल अंग्रेजी में भी करते हैं और हिंदी में तो करते ही करते हैं। इसका मतलब है कि कर्म के वचन के अनुसार क्रिया का वचन होगा, लिख लीजिए हिंदी में, एक ही बात है हिंदी अंग्रेजी दोनों, कर्म के वचन के अनुसार क्रिया का, मतलब कर्ता और कर्म के वचन के अनुसार, कर्ता भी रहेगा ना, कर्ता और कर्म के वचन के अनुसार क्रिया के लिंग का निर्धारण करते हैं। अब जैसे एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं, नवरस में, अजरस भी बताऊंगा, नवरस में वीर रस प्रधान है, प्रधान है, चलिए इसमें क्या गलती है, नौ रसों में क्यों, ये नौ का मतलब नया नहीं है, ये मतलब नाइन, ये नौ है तो रस, ठीक है, नौ तरह के रस की बात करते हैं लोग ना, तो यहाँ नौ रसों होगा, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। एक और वाक्य लें, मैंने अनेक कहानियां पढ़ी हैं, ये गलत है सही है, सही है सर, सही है, किसने सही बोला, कहानी होगा सर, कहानी पढ़ी, चलिए मैंने अनेक या अनेकों, यहाँ अनेकों होगा, अनेकों बहुवचन है ना, मैंने आपको क्या बताया, करता है, हाँ बोलिए सर, अनेक तो खुद ही बहुवचन है सर, जैसे कृष्ण के अनेकों नाम है तो गलत जाता है ना सर। देखिए यहाँ दो चीजें चलती है, ये कृष्ण के लिए नहीं कहा गया है, ये जो अनेकों का प्रयोग किया है हमने कहानियों के लिए, अनेक कहानी होगा सर, लेकिन अनेक अनेक अपने आप में बहुवचन है सर, हाँ तो अनेक होगा तो कहानी होगा, आपने सही कहा, लेकिन मैं कहानियों पर ये दे रहा हूँ, बल दे रहा हूँ, कहानियां कितने तरह की होती हैं, आप में से सभी लोग साहित्य के ज्ञाता हैं, प्रश्न शायद गुड़िया पूछ रही थी, गुड़िया कहानियां कितनी तरह की होती हैं सर, कहानी बहुत है, संज्ञा पढ़ी है ना जी सर, संज्ञा में एक रूप आता है, क्या है संज्ञा का, कितना रूप है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, तो कई बार हम लोग कहते हैं कि तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, मछली एक जातिवाचक है, लेकिन जब हम उसको समूह में बांटते हैं तो ऐसे स्थान पे हम अनेकों का प्रयोग करते हैं। अब कहानियां का मतलब यहाँ ये हो गया कि इरोटिक कहानियां पढ़ते हैं लोग, रस वाली कहानियां, फिर उसके बाद वीर रस वाली कहानियां, कहानियों की कैटेगरीज होगी ना, मुझसे पूछा गया था SSC के इंटरव्यू में 2014 में कि कितने तरह के ड्रामा, कितने तरह का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा, तो आप लोग अंग्रेजी के जो जानकार हैं कर लेंगे, तो यहाँ कहानियों को जो है समूह बांट दिया गया है, जैसे बच्चों की कहानियां, पंचतंत्र, तो अनेकों मतलब ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, लेकिन अगर मैं अनेक कहानी यहाँ लिखता ना, अनेक के साथ फिर कहानी का प्रयोग, कहानियां नहीं होगा, ठीक है, अगर अनेक कहानी छोटी बड़ी हो जाएगा, अनेक कहानी का मतलब कोई एक कहानी, मान लीजिए प्रेमचंद की 50 पढ़ लिए, चंद्रकांता संतति नहीं क्लास कर ली, डिस्टर्ब नहीं, ठीक है, स्पष्ट हो पाया, आगे बढ़े या थोड़ा रुके,
वी विल बी बैक आफ्टर ब्रेक. आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेना हो तो ले लीजिएगा, चाहे थोड़ा सा अपने मोबाइल पे डाल दीजिएगा. अनेकों कहानियां, अनेकों कहानियां होगा यहाँ, या अनेक कहानी होगा, ठीक है. क्योंकि मैं आपको वचन संबंधित त्रुटि बता रहा हूं, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. मैं आपको बता रहा हूं कि कर्ता या कर्म अगर एक वचन है तो उसके अनुसार क्रिया भी एक वचन या फिर बहुवचन में, ठीक है. आगे बढ़े हम, एक और लेते हैं. हिमालय पर्वत का राजा है, पर्वतों का राजा है, ठीक है. यहाँ पर्वतों होना चाहिए, पर्वत नहीं होगा, ठीक है. चलिए एक और वाक्य लेते हैं. उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है. चलिए उसकी भुजाएं, भुजा तो लंबी नहीं होती है लेकिन चोटी जरूर लंबी होती है. चोटी ले लेता हूं, उसकी चोटी घुटने तक लंबी है. घुटनों तक लंबी है, क्यों? घुटने में क्या खराबी? घुटना ही तो होता है, दिमाग वही होता है. बहुत तर्क क्या है? तर्क मतलब चोटी जो है दोनों घुटने तक जाएगी ना, बाएं घुटने तक जाएगी, दाहिने तक नहीं जाएगी. दाहिना घुटना कहेगा भाई मेरे पास नहीं आना. हाँ बोलिए. घुटनों होगा ना, दोनों है ना. हाँ, क्योंकि घुटना दो ही होता है. वो बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसकी एक ही घुटना होगा, ठीक है. भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, ठीक है. इसी तरह से एक और वाक्य लिखिए, चूंकि कोई इसमें पहले दिन आया होगा उनको संबोधित करके कि आज आपका दर्शन हो गया. अक्सर बोलते हैं हम लोग आज दर्शन? आपका दर्शन होना चाहिए. आज आपका दर्शन हो गया. यहाँ क्या होना चाहिए? आपके दर्शन हो गया. आपके, हाँ, आज आपके दर्शन जो शब्द है लिखते एक वचन में है लेकिन प्रयोग बहुवचन रूप माना जाता है उसका, ठीक है. खराब हो गया बेटा, वो इंक खत्म हो गए. चलिए आगे बढ़ते हैं, वचन के बाद आते हैं क्रम भंग. क्रम भंग का मतलब क्या होता है? क्रम भंग का मतलब क्या होता है सर? सीक्वेंस अरेंज ऑर्डर. जैसे, हाँ, अरेंज ऑर्डर, वेरी गुड. तो क्रम भंग अंग्रेजी में भी होता है, हिंदी में भी होता है. अंग्रेजी का एक वाक्य लेते हैं, लिखिए. व्हाइल सिटिंग इन द गार्डन, लिख नहीं रहा हूं, आप लोग बात समझ लीजिएगा. व्हाइल सिटिंग इन द गार्डन ए स्नेक बिट हिम. BIT पढ़ते लिखते हैं बाइट है, बिट बाइट बाइट तीन तरह से पढ़ते हैं ना. स्नेक बिट हिम, ठीक है. इसकी अंग्रेजी, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं कहां से आएगा? इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ऑनलाइन वाले बताएं सर. बैठा तो उसे सर आपने काट. चलिए मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ. क्या है अंग्रेजी क्या है? हिम तो मुझे होगा ना, वेरी गुड. हाँ लिखिए. बाग में बैठे, बेटा हाथ क्यों गंदा करो, बाग में बैठे हुए सांप ने उसे काट लिया. लिखिए इसको, बाग में बैठे हुए सांप ने उसे काट लिया. अनुवाद में अक्सर ही हम लोग ये करेंगे. अब दोनों वाक्य गलत हैं. पहली बात तो ये है कि बाग में कौन बैठा है, बाग में कौन बैठा है? अंग्रेजी वाले में आइए, आदमी सर. सिटिंग इन द गार्डन, आदमी बैठा है ना, तो इसका मतलब है क्रम भंग है यहाँ. व्हाइल ही वाज सिटिंग इन द गार्डन होना चाहिए था, लेकिन लेखक ने लिखा व्हाइल सिटिंग इन द गार्डन, ये सेंस दे रहा है कि सांप गार्डन में बैठा था और बैठे बैठे उसने उसको काट लिया. ये भ्रम पैदा करता है. और हिंदी में भी वही है, अक्सर हम लोग लिखते हैं यहां होना चाहिए जब वह बाग में बैठा था तब उसे सांप ने डस लिया. एक और उदाहरण लेते हैं. हनुमान जी का नाम सुना होगा आप लोग, हनुमान पक्के राम भक्त थे.
हनुमान पक्के राम भक्त थे, पक्के थे ना, पक्के भक्त थे। अरे रुको ना महाराज, हम हमको बोलने दीजिए तब आप बोलिए गुड़िया। अरे सर जब हम पूछेंगे तब बोले, गड़बड़ा जाता है। हनुमान पक्के राम भक्त थे, सनवा साहब बोलेंगे आज। गुड़िया बहुत बोली, सही है गलत है सनवा साहब? देखिए मतलब अच्छा ही लग रहा है क्या आंचल? हनुमान को आंचल को पक्के गलत लग रहा है, क्या होना चाहिए? सच्चे, वेरी गुड। हनुमान सच्चे राम भक्त थे, वेरी गुड। सच्चे राम आप क्या बोल रहे हैं सनवा साहब? सर हनुमान जी सच्चे राम भक्त थे। नहीं सच्चे राम भक्त नहीं थे, मतलब सच्चे राम के भक्त थे। राम जी का नाम सच्चा था, यहाँ होना चाहिए था। राम के सच्चे भक्त थे सर, राम के सच्चे भक्त थे सर, हनुमान राम के सच्चे भक्त थे, पक्के भक्त। हाँ देखिए यहाँ होना चाहिए था, ये जो राम है यहाँ आना चाहिए था और साथ में के लगना चाहिए था। हनुमान राम के पक्के भक्त थे, नहीं तो हनुमान पक्के राम के भक्त थे, मतलब पक्के राम कोई नाम ऐसा लग रहा है। ठीक है, कारक चिन्ह तो होना चाहिए ना, कर्ता ने कर्म को करण से, वो चीज कहाँ मिसिंग है ना ऐसे। तो मान लीजिए हनुमान जी थे तो कर्ता हो गए, कर्ता के बाद क्या आएगा? कर्म आएगा। तो कर्म का ये पक्के कर्म है, कर्म क्या है? राम है, तो राम आना चाहिए। इस लिहाज से किस तरह का, इसको बोलते हैं क्रम भंग। मिटा दूं एक और वाक्य ले लें इसी के साथ? कौन सा वाक्य है बताइए आप लोग, लिखिए। हम अपना ही ले लेते हैं, लिखिए। अधिकतर हिंदी के शिक्षक, अधिकतर हिंदी के शिक्षक अंग्रेजी नहीं जानते, सुनने में खराब नहीं लग रहा है लेकिन वाक्य गलत है। अधिकतर अधिकतर हिंदी के शिक्षक अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते। सर इसका ऐसे हो सकता है, हिंदी के अधिकतर शिक्षक अंग्रेजी नहीं जानते? एकदम सही बोले हैं, हिंदी के अधिकतर। अगर हमने सुनिए, अगर हमने इसी क्रम में रखा अधिकतर हिंदी के शिक्षक, क्या बोल रही हैं? अरे जब मैं पूछता हूँ चुप हो जाते हैं, ऐसे बोल के हट जाते हैं। वो तो वही हाल हुआ, बुढ़ा जा रहा है। क्या होना चाहिए? अधिकतर सही है, अधिकांश सही है, अधिकांश सही है। क्रम भंग हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्रम भंग शब्द नहीं बदलेगा हमारा, शब्द का स्थान बदलेगा। अगर आप यहाँ अधिकांश भी लिख देती हैं, अधिकांश भी लिख देती हैं तब भी नहीं चलेगा। इसका मतलब पूरे पूरे हिंदी के शिक्षकों की कौम को आप बता दे रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं आती। एक से एक जो कई भाषाओं के माहिर हैं, अब हमको ले लीजिए ना, छह भाषा जानता हूं, तो आप कैसे कह सकती हैं हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं जानते? यहाँ होता है हिंदी के अधिकतर शिक्षक, मतलब ज्यादातर लोग। और इसमें क्या कह रहे हैं आप, अधिकतर चल रहा है तो इसका मतलब ये चल रहा है कि हमेशा ही। ठीक है चलिए आगे एक और ले लेते हैं। ठीक है, अभी दुर्गा पूजा वगैरह कल से शुरू हो रहा है तो उसमें घी का खूब प्रयोग होगा, और यहाँ 150 रुपये किलो भी शुद्ध घी बिकता है बंगाल में, पूजा के लिए देते हैं। ठीक है, यहाँ बॉम्बे भेजना पड़ेगा, बहुत सस्ता है, वो हड्डियों को गला के निकालते हैं शायद। यहाँ शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है, यहाँ देसी गाय का शुद्ध घी, क्योंकि जो शुद्ध है देसी, मतलब इसका मतलब आप कह रही हैं या कह रहे हैं कि ये जो देसी गाय एकदम शुद्ध है, नहा धो के आई है। ठीक है, लेकिन होना चाहिए यहाँ क्या, देसी गाय का शुद्ध घी, घी के साथ शुद्ध का रिश्ता बनता है, ना कि देसी गाय के साथ। वो अंग्रेजी में क्या क्वालिफाइंग बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा कठिन है। अब जैसे एक और वाक्य ले लीजिए, यहाँ मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होता है, मतलब यहाँ फ्री में जो आंखों का मुफ्त, हाँ आंखों का मुफ्त, नहीं तो अच्छा का मुफ्त ऑपरेशन होता है। हाँ एक चीज और आपको बता दूं, अगर इंडिगो एयरलाइंस में आप लोग बैठे हैं, ठीक है, तो उसका एक स्क्रीनशॉट है मैं आपको भेज दूंगा कि उसने हिंदी में अनुवाद किया है। हाँ जी सर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ गाय का शुद्ध देसी घी मिलता है ना 100%। हाँ
तो अगर आप लोग इंडिगो जहाज बैठे उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उन्होंने अनुवाद कितना सुंदर किया है, वो वही है कि गार्डन में बैठे सांप ने काट लिया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब कारक संबंधी भूलें इस पर चर्चा कर चुका हूं, जैसे 5:10 है, लिखिए कारक संबंधी भूल। अगला भूल है सर 5:10 है, 5:10 है, इसको हम बजने को टाइम के साथ को का प्रयोग नहीं करेंगे, 5:00 या फिर 5:10। अगला लिखिए सर एक बार फिर से बोल दीजिए, 5:00 5:00 नहीं होगा। उसके बाद एक और है, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। ये अक्सर हम लोग जो अंग्रेजी के तर्ज पे हिंदी अनुवाद करते हैं वो करते हैं, देशभक्त यातनाओं को सहते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी है समझ लीजिएगा, इंक में थोड़ी दिक्कत है, यातनाओं को सहते हैं, को सहते हैं या थे जो भी लिखना, क्या होगा यहाँ बड़ी यातना, देशभक्त यातनाओं को सहते हैं, यहाँ देशभक्त बड़े 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 यातनाओं को सहते हैं, क्या सही है गलत क्या है सब बड़े से बड़े। यहाँ देखिए, यहाँ आपका यातनाओं की जगह यातनाएं होगा बस, और को नहीं होगा, कारक संबंधी भूल है इस वजह से। ठीक है, एक और लेते हैं, मैं अपने से ही ले लेता हूँ, बोलते हैं ना अपने पे हंस को जग को हंसाया, किसने कहा था, कौन से विद्वान कहे थे, हाँ? नहीं ये राज कपूर जी कहे थे, मेरे सिर में घने बाल हैं, नहीं है सॉरी, मेरे सिर में, वाक्य सही है गलत है, घने बाल नहीं है, नहीं सिर है पर होगा सर, क्यों पर क्यों होगा, मैं क्यों नहीं होगा, है इसके अंदर नहीं है, बोलते ना तुम्हारे सिर में गोबर भरे चले ऊपर, सर के ठीक है उपर, लेकिन सर के ऊपर है अंदर नहीं है, तो यहाँ पर होगा, मे की जगह पर होगा, ऑन एट आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन ऑन एट अंग्रेजी में भी यही हाल रहता है। ठीक है, माई हेड इज फिल्ड विथ मतलब उसके अंदर है, और हैज हेयर ऑन इट, ठीक है मिटाएं आगे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आ रही है अब, हेलो जी सर, जी सर जी सर जी सर जी सर, कोई जानबूझ के म्यूट कर दे रहा है हमारी आवाज को। ठीक है चलिए, अब सर्वनाम संबंधी भूल, अक्सर आप दिल्ली वाले, हर्षना आप हैं अभी चली गई, हर्षना यस सर सर हूं, तो आप अक्सर ऐसा बोलते हुए लोगों को सुनती होंगी, मैंने आज पटपटगंज जाना है, हमारे विशेष करके पूर्वांचल वाले जो लोग हैं वो दिल्ली चले गए तो दिल्ली की भाषा, सर फिर म्यूट हो गया आपका आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो अभी आ रही है, जी सर जी सर जी सर जी सर, अरे मुझे कोई म्यूट कर दे रहा है, ना करे ऐसा भाई अत्याचार, मैंने दिल्ली जाना है, आप देखे होंगे कि अक्सर दिल्ली में बसे हुए लोग इस तरह की हिंदी बोलते हैं, ये सही है गलती गलत है, या फिर बोलते हैं मेरे को, या फिर बोलते हैं मेरे को जाना है, या फिर मैंने बोलते हैं या मेरे को बोलते हैं, ये बोलचाल में चल जाता है, मेरे को जाना है तेरे को जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है मेरे को तेरे को या मैंने बोलते हैं, ये सही है गलत है, क्या होना चाहिए सर, सर्वनाम संबंधी, सर्वनाम संबंधी स्तुति है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मुझे, मुझे देखिए एक भाषा की खासियत है कि जिस शब्द के लिए विकल्प उपलब्ध है उसको ज्यादा अतिवादी नहीं बनाते, मैंने जो शब्द दिल्ली में हम लोगों ने आत्मसात किया
वो पंजाबी भाषा से किया, पंजाबी में बोलते ना मैनू घर जाने दे, दे। हाँ ढल गया दिन हो गई शाम, जाना है मैनू जाने दे या मैनू जान दे बोलते हैं। तो वहां मैनू से लोगों ने मैंने ले लिया, लेकिन हिंदी की प्रकृति में मुझे होना चाहिए। अब कोई मुझे बोले तो लोग हंसते भी हैं उसके ऊपर, मतलब जो सही हिंदी बोले उसके ऊपर हम लोग हंसते भी हैं। ठीक है, चलिए एक और लेता हूं, एक आसान सा उत्तर लेता हूं। मेरा कुत्ता आपसे अच्छा है, आपसे अच्छा है, मेरा कुत्ता आपसे अच्छा है, क्या होना चाहिए? सर मेरा कुत्ता आपसे आपके कुत्ता से अच्छा, आपके कुत्ते से अच्छा, यहाँ आपके कुत्ता होना चाहिए। आपने क्या किया कि अपने कुत्ते की तुलना किससे करा दी? दूसरे व्यक्ति से। अच्छा नहीं है ना, वो तो जब गाली गलौज करते हैं तब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ होना चाहिए मेरा कुत्ता आपके कुत्ते से अच्छा है, आपके कुत्ता से अच्छा। ठीक है, मिटाऊं? ये सर्वनाम जैसी, सर्वनाम की जो भूले हैं बहुत भयंकर भूले हैं, लेकिन हम लोग करते ही करते हैं क्योंकि ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। उसके बाद अगला है क्रिया संबंधी भूल। क्रिया संबंधी क्या भूल है? जैसे इंतजार कर रहा हूं मैं किसी की, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, बहुत प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा देखी नहीं होगा ना, प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा की होना तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। हाँ, लेकिन हम लोग बोल देते हैं। फिर एक और वाक्य, ये तो अक्सर हम बोलते हैं, राम को आने के लिए बोल दो, ये गलत है सही है? क्या गलत है? एक गाना दिए बोल दो, फिर हेरा फेरी जो फिल्म आई एक एक करके बोले। राजनंदिनी क्या बोल रही है? ऊपर में जो आप लिख रहे हैं मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, उसका क्या? वो तो सही है, प्रतीक्षा की तो सही है, मैंने बोला था प्रतीक्षा देखी, तो बहुत लोग प्रतीक्षा देखी बोलते हैं, वो गलत है। ठीक है, अगली बात में राम को आने के लिए बोल दो, यहाँ होना चाहिए कह दो। आप लोग देखिएगा, हाँ पहले, अभी आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले जो गीतकार होते थे वो व्याकरण का बहुत ध्यान रखते थे। जैसे संजीव कुमार की फिल्म में गाना है ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, उसमें वो गीतकार कहता है कह दो पड़ोसियों से झांके न खिड़कियों से, वो ये नहीं कहता है कि बोल दो पड़ोसियों से। हालांकि फिर हेरा फेरी फिल्म जो आई है उसमें उन्होंने बोल दो कहा है, कह दो नहीं कहा है, अब हिंदी बिगड़ रही है। चलिए आगे बढ़ें, मिटा दूं। इसी तरह से क्रिया के बाद आता है मुहावरे संबंधी भूल। अब मुहावरों में क्या भूल हो सकती है? ये मतलब सही मुहावरे का प्रयोग ना हो। जैसे मैं आजकल एक नेता जी हैं वो निकले हुए हैं पूरे देश की रैली में, राहुल जी धुआंधार रैली कर रहे हैं, धुआंधार रैली कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि रैली है इसलिए बोलिए भारत जी धुआंधार, सॉरी रैली नहीं, दौरा करते हैं, दौरा, राहुल जी धुआंधार दौरा कर रहे हैं, धुआंधार दौरा, ये जो सुन पा रहे हैं आप लोग? नहीं सुन पा रहे हैं? जी सर, आ रही आवाज पा रहे हैं सर। ठीक है, राहुल जी धुआंधार दौरा कर रहे हैं, सही है गलत है? दौरा जो शब्द है इसके साथ हमेशा तूफानी होगा, तूफानी ऋतिक रोशन जी करते हैं, ठीक है, तूफानी दौरा करते हैं, टेस्ट द थंडर बोलते हैं ना, थम्स अप या कोका कोला के साथ, तो राहुल जी माउंटेन ड्यू के साथ, तो यहाँ तूफानी दौरा होगा, धुआंधार दौरा नहीं होगा। एक और ले लेते हैं, चूंकि आजकल से संबंधित है, आजकल भ्रष्टाचार का, आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है,
इसमें गलती है कहीं क्या? गलती है कहीं इसमें? भ्रष्टाचार की हो, भ्रष्टाचार की बाजार करो बाजार गलत बताते बताते सही बता दूं तो आप लोग उसको भी गलत बताते हैं। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, ये सही है। कुछ लोग इसका के का प्रयोग करते हैं यहाँ, आजकल भ्रष्टाचार के बाजार, तो भ्रष्टाचार एक वचन है इसलिए वहां का प्रयोग होना चाहिए। बहुत लोग इसका के लिखते हैं तो के गलत है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, एक और वाक्य लेते हैं। इसमें संयोजक चिन्ह, संयोजक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? हाइफन। संयोजक, संयोजक शब्द जो है वो क्या है? कंजंक्शन, के बीच में जोड़ते हैं। चलिए एक और लिख लीजिए, यह काम करो, पढ़ो, नहीं तो घर जाओ। घर जाओ क्या होगा, क्या होना चाहिए? पढ़ो और क्या? देखिए दो काम हो रहा है, दो काम हो रहा है, एक पढ़ना हो रहा है, एक घर जाना हो रहा है। दोनों कामों में तुलना की जा रही है, तो जब तुलना की जाती है तो या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पढ़ो या तो घर जाओ, नहीं नहीं हो गए, हाँ यहाँ हम या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए, यदि वह रुपया मांगता, चलिए लिख के देखते हैं, यदि वह रुपया मांगता। अच्छा, रुपया जो है ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? नीचे वाला सही है सर। हैं? पक्का? जी सर, जी सर, जी सर। चलिए नीचे वाला सही है, ध्यान रखिएगा, एक नंबर मिलेगा। चलिए, यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता, क्या होगा यहाँ? तो मैं अवश्य देता, यहाँ तब के जगह पे तो का प्रयोग होना चाहिए था, तब गलत है। इस तरह से आज आपका ये वाक्य अशुद्धि वाला पाठ समाप्त होता है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिए, कॉल ले लूं। हेलो, वाक्य शुद्धि बता रहे थे सर आज, वाक्य शुद्धि बता रहे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़े, ब्रेक के बाद वापस से आप लोगों का स्वागत। जिन लोगों ने चाय की, चाय का कप हाथ में ले रखा है वो अपने अपने मोबाइल में चाय डाल दें, मोबाइल पर डालते ही चाय हमारे पास पहुंच जाएगी। पहुंचेगी नहीं? अपने चाय बना दे नहीं सर, तब सर आप भी नहीं दिखिएगा चाय की वजह से, मोबाइल का काम खत्म हो जाएगा सर। नहीं सर, आप भी नहीं दिखिएगा। बिल्कुल दोनों, अभी एक चीज और होगा, वाक्य में सबसे ज्यादा जो अशुद्धि होती है जो हम पकड़ नहीं पाते। सुनिए सुनिए रविंद्र जी, माइक बंद कर रही है। तो वाक्य की अशुद्धि में वर्तनी की अशुद्धि बहुत मायने रखती है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक या मात्रा की अशुद्धि। जैसे मैंने आपको रुपया लिख के दिखाया, ये रुपया है, पूरे वाक्य में आपको कहीं गलती नहीं मिलेगी। ये रुपया ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? अगर कभी ऐसा आ जाए तो धीरे से जेब से निकालिएगा, एक रुपया दो रुपये का नोट होगा ना, सिक्का होगा, उसमें धीरे से देख लीजिएगा क्या लिखा है, मात्रा कौन सी है। नीचे वाली सर। तो ये नीचे वाली चलती है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लीजिए पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं, पूज्यनीय सर पूरा क्या होगा? पूजनीय, यहाँ क्या होना चाहिए? पूजनीय, आधा ज नहीं होता, पूरा ज होता है। इसी तरह से एक और लिख लेते हैं, जैसे मंत्रिमंडल, अक्सर हम लोग लिखते हैं मंत्रिमंडल,
छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा होता है त्रा में। इसमें छोटी, मैं भूल गया, अगर बड़ी की मात्रा लिखते हैं तो क्या बनता है, कुछ और शब्द बनता है, मैं उसका अर्थ भूल गया हूँ। मंत्रिमंडल इसको ऐसे लिखा जाता है, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, छोटी की मात्रा होगी, ठीक है। इसके साथ ही हिंदी छोड़ के अब अंग्रेजी पे आए हम जी सर। भाई अरे आप लोग हाँ ना नहीं बोलेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग अंग्रेजी पे चलते हैं। इतना याद अगर आप लोग रख पाए तो वाक्य अशुद्धि का 10 में से 10 कंफर्म है आपका, ठीक है। अब जरा अंग्रेजी की किताब निकाल लें, एक मिनट के लिए ब्रेक लेता हूं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? चलिए चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए मैंने हिंदी में आपको बताया था ना कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे, इसी तरह से अंग्रेजी में भी एक एग्रीमेंट मेरे समझ में आज तक आया नहीं, आप लोगों को समझ में आता होगा तो बताइएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या होता है? ये कई जगह, कल हमारे सत्या जी भी बड़ा चर्चा कर रहे थे इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या इस तरह की बातें किए थे। ये एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है सर? ये रटन तो विद्या पचन तो भोजन। हाँ बोलिए जी सर, ये वही सपना, वही प्रॉब्लम। एक मिनट एक सपना, कोई दिक्कत? हाथ खड़ा किया आपने, हैंड्स अप किया सपना? चलिए कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। एकांत क्या बोल रहे थे? एग्रीमेंट का देखिए, हम लोग तो साधारण आदमी हिंदी भाषा वाले अंग्रेजी उतनी नहीं समझ पाते हैं, ये कहीं लिखा होता है सब्जेक्ट। पिया जी आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कुछ नहीं है, बहुत लोग वाईफाई अंग्रेजी बोलते हैं, हाईफाई नहीं, वाईफाई आजकल हो गए हैं, वाईफाई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और हम लोग चकनाचूर हो जाते हैं, कुछ नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिश्ता होता है ना, उसी को लोग एग्रीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जैसे मान लीजिए एक वाक्य मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि द बेबी, लिखिएगा इसको, द बेबी वॉज क्राउलिंग, सी आर ए होता है ना सर, चलिए क्राइंग लिख देते हैं, द बेबी वॉज क्राइंग। कहने का मतलब है कौन रो रहा था? बेबी, तो बेबी यहां सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्राइंग जो वर्ब है उसी के अनुसार किया गया है हमने। इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में रिलेशन है। वर्ब ये वाज भी तो वर्ब है ना, है या नहीं है? जी सर, हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, वाज भी। अब मान लीजिए ये तो बेबी है, तो बेबी की जगह हम बेबीज कह लें, बी ए बी आई ई एस, उसके साथ वाज चलेगा क्या? क्योंकि बेबी जो है बहुवचन है, इसलिए वेयर का प्रयोग होगा। बाकी ये वाला वर्ब मेन वर्ब जैसे का तैसे रहेगा, जैसे थे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर सब्जेक्ट लिख लीजिए आप लोग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने शायद आगे भी बताया था, सब्जेक्ट सिंगुलर है, पहले वाक्य में मैंने हिंदी के साथ ही बता दिया था, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बोलिए, पिक्चर रुक गई है? नहीं, चल रही है, आगे बढ़े। बेबीज के साथ वॉज नहीं होगा, वेयर होगा, मैंने उदाहरण के लिए लिखा था, मिटा क्लिक कर दिया है, ठीक है। एक और वाक्य इसमें जानने वाली है, पुलिस, POLICE, पुलिस के बाद आर्मी, आर्मी हर्ड, हर्ड क्या बोलते हैं? HERD, ग्रुप, ग्रुप्स ऑफ एलिफेंट, हर्ड मतलब झुंड होता है, ग्रुप झुंड मान लेते हैं, ग्रुप। इसको अंग्रेजी साहित्य में क्या बोला जाता है, कौन सा नाउन है ये? कलेक्टिव नाउन है, ध्यान दीजिएगा कि कलेक्टिव नाउन अगर है तो उसमें वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगा, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। बहुत आसान है, 3-4 देंगे, और बाकी ये जो मैंने आपको बताया ना, हिंदी वाला जो सूत्र बताया, यही सूत्र आप अंग्रेजी में भी लगा सकते हैं। देखिए पहले ही बोला था, कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, उसी तरह अंग्रेजियों ने भी हमारा ही कॉपी किया है, तो कलेक्टिव नाउन जो होता है
पुलिस, आर्मी, इसका वर्ब हमेशा इज लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे। द आर्मी वॉज कॉल्ड, आर्मी वेयर कॉल्ड नहीं होगा। द पुलिस वेयर गोइंग नहीं होगा, पुलिस वॉज गोइंग। ठीक है, चलिए मिटाऊ इसको। एक और इसमें जानने वाली बात है, उसको आप लोग नोट करें तो बेहतर रहेगा। ईच, एनी वन, एवरी वन, ईच, एनी वन और एवरी वन, ये तीन शब्द हैं। इनसे भी कुछ वाक्य शुरू होते हैं, हाँ या ना? देखिए इन तीनों से लिख लीजिए, इन तीनों से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं, अगर उनका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लिख लिया आप लोगों ने, जैसे ईच बॉय, ठीक है, चूंकि ईच एनी वन ये सिंगल एक ही बता रहा है तो यहां वर्ब सिंगल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद एक आता है, अंग्रेजी व्याकरण में एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो मैं आपको हिंदी में भी बता चुका हूं, रिपीटेशन होता है। रिपीट जो करते हैं उससे रिपीटेशन बनता है। रिपीटेशन में जैसे एक वाक्य मैं देता हूं, आई रिटर्न, लिखिए, आई रिटर्न बैक फ्रॉम गोवा, सही है गलत है? जी गलत है, एक एक करके आई रिटर्न गोवा, आई रिटर्न फ्रॉम गोवा, यस सर, कंफर्म। और कोई बताए बैक अगर हम रहने दें तो? रिटर्न का मतलब यहाँ रिटर्न सुपरफ्लूअस। होल्ड ऑन, देखिए मैंने क्या कहा आपको, रिपीट करना, रिपीटिशन। रिटर्न मतलब भी वापस आना होता है, बैक मतलब भी वापस आना। तो या तो एक को हटा दें, आई रिटर्न फ्रॉम गोवा, या फिर यहाँ रिटर्न की जगह केम का प्रयोग करेंगे, आई केम बैक फ्रॉम गोवा। ठीक है, हाँ या ना? जी सर। इसके बाद एक आता है, हाँ बोलिए बोलिए सर, इसे ही स्लैंग एंड सुपरफ्लोस कह रहे हैं ना इंग्लिश में सर, ऐसे टाइप का होता है ना सर? क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, उस विवाद में नहीं पढ़ूंगा, एकदम शॉर्टकट बहुत बताना है। ठीक है, ठीक है, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे आज, समय नहीं है ना, ना आपके पास ना बाकी लोगों के पास। ठीक है, सुपर फ्लॉस करते हैं वो गलत है, वो व्याकरण के लिए गलत है, कविता कहानी में चल जाएगा। चलिए एक और है, मॉडिफायर बोलते हैं। अब ये क्या है हमको भी पता नहीं, आप लोगों को पता है क्या मॉडिफायर का मतलब? जो मोदी बना देता है, मोदी और फायर अलग अलग कर देते हैं, यही होता है ना मोडिफायर। या मोडिफायर का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट को मोडिफाई करे, मतलब सब्जेक्ट का प्रारूप बदल दे, सब्जेक्ट को मोडिफाई करता है। देखिए चूंकि अंग्रेजी इतनी क्लिष्ट हो जाती है जब हम व्याकरण पढ़ने लगते हैं तो कठिनाई होती है, खासकर हिंदी भाषियों में तो दिक्कत आती है, और विशेषकर हम जब खाली हिंदी पढ़े हों, हिंदी बोले हों। मोडिफायर का मतलब ये होता है कि अगर सब्जेक्ट को सही जगह पे नहीं लगाया गया तो आपका वाक्य गलत हो जाता है, मतलब कहना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ जाता है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको अंग्रेजी का लिखवाया था, क्या लिखवाया था, सिटिंग इन द गार्डन स्नेक वाज, क्या लिखाया था मैंने? वाइल्ड लिखा था मैं, वाइल्ड लिखा ही नहीं सर मैंने, वाइल्ड लिखा था। ठीक है, वाइल्ड सिटिंग इन द गार्डन या फिर सिटिंग इन द गार्डन, ये जो है मॉडिफाई कैसे हो रहा है बताइए? गार्डन में कौन बैठा है, सांप बैठा है या हम बैठे हैं या जो भी जिसको काटा है, कौन बैठा है बताइए? आप बैठे हैं, तो हम जो भी बैठा हो तो यहाँ होना चाहिए वाइल्ड ही वाज सिटिंग या वाइल्ड आई वाज सिटिंग, लेकिन हम यहाँ क्या लिख देते हैं कि उल्टा ही कर देते हैं, तो ऐसे वाक्य अवॉइड करेंगे। ठीक है, और ये गलत होता है। इसके बाद अगला आता है एकदम हिंदी व्याकरण के अंदर, इसके बाद चूंकि हिंदी व्याकरण में आपको इसीलिए बता दिया
कि आपको इंग्लिश में पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। एक होता है पैरेललिज्म, पैरेलल चलता है ना, पी ए आर ए एल एल ई एल, उसमें आई एस एम लगा देते हैं। पैरेललिज्म क्या है सर? मॉडिफायर का एक एग्जांपल दे देते ना सर। दिया तो आपको पहले ही बता दिया था, सिटिंग इन द गार्डन स्नेक बिटिंग। ओके सर, बताया था ना। उसके बाद आता है पैरेललिज्म, जैसे लिखिए सोनिया, सोनिया लाइक्स वो सब खराब हो गए हैं। सोनिया लाइक्स टू डांस सिंग और कुकिंग, ये वाक्य सही है गलत है? क्या लाइक्स होगा सर? एक मिनट रुकिए, पैरेललिज्म जो है ये आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। ठीक है चलिए, लाइक्स होगा, हाँ सॉरी वो गलती हो गई। सोनिया लाइक्स टू डांस सिंग एंड कुकिंग, सही है गलत है? गलत है। गलत है सर। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डांसिंग सिंगिंग कुकिंग क्या होना चाहिए? क्योंकि तीनों पैरेलल एक समान चलेगा, कुकिंग है तो सब में आईएनजी लगाना चाहिए, डांसिंग ठीक है, डांसिंग सिंगिंग कुकिंग, और टू होगा फिर सोनिया लाइक्स टू डांसिंग होगा? नहीं सर, नहीं सर, टू हट जाएगा, नहीं होगा, टू हट जाएगा। अब आप ठीक है, हाँ इस तरह से अब आप थोड़ा सा और लिख लीजिए। आप एक चीज देखिए, मैंने जो हिंदी का आपको बताया जहां जहां गलती, अंग्रेजी में भी वही गलती आ रही है ना? नहीं आ रही है, तीन मैंने बताया सर आ रही है, बाकी उसी के अनुसार आप लोग अंग्रेजी की गलती भी निकाल सकते हैं। मतलब एक साधे सब साधे, मिटा दूंगा इसको। ठीक है चलिए, एक आखिरी, और इसके बाद कितना बज गया, एक आखिरी रॉन्ग कंपैरिजन लिख लीजिए। रॉन्ग कंपैरिजन मैंने बताया क्या? रॉन्ग कंपैरिजन हिंदी में बताया है? नहीं सर, ये मैंने बताया नहीं, रॉन्ग कंपैरिजन नहीं बताया हिंदी में। मेरा कुत्ता तुमसे अच्छा है बताया था ना, गलत कंपैरिजन। चलिए एक वाक्य लिखता हूँ, देखिए हो सकता है सही हो, ध्यान से फट से मत बोल दीजिएगा, पहले समझिएगा। जॉन इज वाइजर देन ऑल मेन, जॉन इज वाइजर देन ऑल मेन, ये कंपैरिजन वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या होगा यहाँ, एक और वाक्य देता हूँ, होल्ड ऑन जॉन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सर इसमें दो आर्टिकल लगे सर, जॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जॉन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये दोनों बताइए, ऊपर वाला बताइए ना, जॉन इज वाइजर देन ऑल मेन। सर कंपैरेटिव डिग्री के साथ वाइजर देन एक साथ नहीं आएगा सर, और ऊपर में एक बोल रहा हूँ तो आप लोग होल्ड ऑन, शिव जी एक कोई बोल रहा हूँ उसको सुनिए ना। चलिए बोलिए, क्या बोल रही थी अंकिता? बोल रही थी, कौन बोल रहा था? वाइजर नहीं होगा, क्या होना चाहिए? वाइजेस्ट, ये कौन सा आ गया, गलत है आपका सर, प्रयोग सर, वाइज ही होगा, वाइज। दीपा आप भी गलत है, आगे बोलिए। मैं सर वाइजर टू आता है, वाइजर टू आप भी गलत है सर, जयश्री आपकी बात नहीं समझ रहे थे, होल्ड ऑन एक मिनट लक्ष्मण, जयश्री क्या बोल रही थी? जयश्री जॉन इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, वाइजेस्ट ऑफ ऑल मेन, जॉन इज द थोड़ा बहुत जोड़ घटा करके करने तो नहीं होगा। यहाँ ऑल के बाद
देन एनी अदर होगा सर, ऑल अदर हो जाएगा। ऑल मैन का मतलब समझ रही हैं? ऑल मैन का विश्व में जितने भी पुरुष हैं उनसे जॉन समझदार, ऐसा हो सकता है क्या? कंपेयर जहां किया जाता है दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाएगा, या ग्रुप है तो ग्रुप में, यहां जितने लोग हैं हो सकता है 20 लोग होंगे तो उनमें से, तो जॉन इज वाइजर देन ऑल अदर मेन, ये सही प्रयोग होगा इसका। कोई आपत्ति? मेन है ना, मैन नहीं, मेन है। दूसरा वाक्य देखते हैं, जॉन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मेन, ठीक है, जॉन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये वाक्य सही है। जब स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाएगा तो मान लेंगे, जैसे गामा पहलवान, दारा सिंह, ऐसे लोग थे पहलवान हमारे यहाँ, सबसे बड़े पहलवान माने जाते थे, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट में चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे केस में नहीं चलेगा। सर स्ट्रॉन्गेस्ट के पहले द नहीं लगेगा? लगा लीजिए ना, दवा कोई बड़ा भारी रोग नहीं है। दवा का प्रयोग एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया ने डेढ़ पन्ने का छापा था इस पे, रेकलेसली यूज करते हैं हम लोग दवा, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, वहां रखो, ठीक है, मिटाऊ मैं जी सर। ये हिंदी और अंग्रेजी का जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया, बहुत वेरी गुड, रख लो, हिंदी और अंग्रेजी का जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया या वाक्य की त्रुटि बताई, मुझे लगता है इसके बाद 10-10-20 नंबर कंफर्म है आप लोगों का, क्या लगता है? जी सर, जी सर, जी सर, जी, ठीक है, तो यही सब आ जाएगा। क्या लक्ष्मण जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? बोले सर सेम सेंटेंस आ जाता तो कितना अच्छा रहता। सेम सेंटेंस नहीं, देखिए आप वो ढूंढिए ना, सूत्र ढूंढिए, सेम के चक्कर पड़ेंगे तो लोग, मैंने ऐसे भी वीरों को देखा है जिन्होंने 1000 टेस्ट पेपर, 1000 क्वेश्चन पेपर पिछली एसएससी में सॉल्व किया था, और एक प्रश्न पत्र सॉल्व करने में उन्होंने 190 तक स्कोर किया था, लेकिन वो एक प्रश्न आया था बहुव्रीहि समास वाला और उसमें फेल हो गए, ही कुड नॉट क्वालिफाई पेपर वन। आपको सूत्र समझना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, ये तो आपको बताने के लिए मैंने बताया। अगर आप ऐसे धावक हैं, ठीक है, जो हजारों कर ले, आपको पता ही नहीं चले सीता किसका बाप, पूरी रामायण पढ़ ले सीता किसका बाप पता ही नहीं है, तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए व्याकरण के बेसिक रूल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आज की चर्चा, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बात करें, नहीं तो फिर आज की चर्चा यही समाप्त करें। कुछ लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद जी, बोलिए सर। एक प्रश्न है हिंदी का ही,